माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। सोचिए, आप जिंदगी के मोहमाया से परेशान होकर डिसाइड करते हैं कि बाबा की नगरी वाराणसी जाकर महादेव के दर्शन करेंगे और सुकून के पल बिताएंगे। आप वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंचते हैं, बाहर निकल कर सुकून अनुभव करने आते हैं, तभी अचानक से एक लड़की आपके पास आती है और पूछती है, सुकून ढूंढने आए आप गुस्सा पीकर उसे इग्नोर करके सीधा बाबा के पास पहुंचते हैं महादेव के दर्शन के लिए। जैसे ही आप गंगा द्वार पहुंचते हैं कि आपको फिर वही नजारा दिखता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई अभी भी मंदिर जाना है। गुस्से को कंट्रोल करते हैं, ऐसा सोच के आप वापस अपना गुस्सा पी जाते हैं और दर्शन करने जाते हैं। मंदिर से निकलकर आप सोचते हैं कि यार ऐसा है, घाट घूमा जाए, थोड़ा चलते हैं घाट की तरफ, आइए देखते हैं मजा आएगा। जैसे ही आप घाट घूमना शुरू करते हैं, कहीं पर जानम से प्यार की लड़ाई है तो किसी की पतली कमर दिल चोरी की है, कोई 2 रुपया के लिए परेशान है, तो किसी को कमर लचकने की समस्या है, किसी को राजा जी से सेंट चाहिए, तो किसी के तो जवानी आई भी नहीं है लेकिन रंग चढ़ा हुआ है। इनके लिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं। एक वक्त था जब यही नाच देखने के लिए उत्तर प्रदेश के लोग ऑर्केस्ट्रा का इंतजार किया करते थे, लेकिन अब घाट हो चाहे कॉरिडोर, मंदिर हो या कोई पब्लिक प्लेस, सभी तरफ एक ही नजारा है। एक वक्त था जब लड़कियां छेड़ने के लिए लोग सुनसान रास्ता अंधेर नगरी खोजा करते थे, लेकिन अब बकायदा कैमरा लगा के खुलेआम पब्लिक प्लेस पे लड़की छेड़ा जाता है। नहीं विश्वास होता, आइए दिखाते हैं आपको। मारे मैडम लंबा, तेरी जान का सबरे लंबा, और तू ना इंडिया के बेटा रहुआ है, हम के लुगाई दिला दो, काटम ने तरउले बानी राजा फेसी। यकीन मानिए, यह सब उसी राज्य में हो रहा है जिस राज्य का मुख्यमंत्री इस देश का सबसे मजबूत मुख्यमंत्री माना जाता है। यह उसी राज्य में हो रहा है जहाँ की पुलिस सबसे जिम्मेदार और सबसे जबरदस्त मानी जाती है। लेकिन लड़कियां छेड़ना, बुजुर्गों का अपमान करना, ये सभी शायद किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। एक आईडी तो मुझे ऐसा भी मिला जिसके नाम में ही लौंडियाबाज लिखा हुआ है। कुछ ऐसे रील्स दिखाने वाला हूं कि अगर आप किसी बेटी के पिता, किसी लड़की के भाई हैं, वो आपको अंदर से झकझोर कर देगा। आप लोग को दिखाते हैं, तोता मैना का जोड़ा भी दिखाएंगे, 7 जोड़ा है आया हुआ है, अभी जा दिखा तोता वाला दिखा और तोता मैना का कमेंट करके बताइए कौन सा बात है। इन सभी लोगों ने समाज में इज्जत और स्वाभिमान से ज्यादा इंस्टाग्राम के चंद लाइक्स को ज्यादा तवज्जो दी। इन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग पागल हो जाएंगे और ये सुपरस्टार बन जाएंगे। ये समय ही शायद ऐसा है, मॉडर्न के नाम पे इन छिछोरियत वाली हरकतों को हम रील्स का नाम दे रहे हैं। यकीन मानिए, 2024 में है हम लोग और ये सभी भक्ति के शहर वाराणसी में रोज हो रहा है, और प्रशासन, पुलिस, सरकार सभी ने इन सभी चीजों से आंख मूंद कर अपनी नजर फेर ली है। वीडियो सही लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपके कुछ सुझाव या मशवरा है तो उसे भी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, हर हर महादेव।